दोस्तों आप ये वीडियो देखते रहे और आज मैं आपको बताऊंगा एनालॉग और डिजिटल के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं RPM टेक टिप्स और आज मैं आपसे बात करूंगा एनालॉग और डिजिटल के बारे में। जैसा कि पता है आपको, आजकल हर चीज़ यहाँ पे डिजिटल हो चुकी है, बट आपको यहाँ पे ये नहीं पता होगा कि एनालॉग और डिजिटल में डिफरेंट क्या होता है, ये कैसे वर्क करते हैं आपस में। अब दोस्तों आजकल जो वर्किंग जो हमारी हो रही है आजकल सब डिजिटल में हो रही है, बट यहाँ पे आपको शायद ये नहीं पता होगा कि एनालॉग भी यहाँ पे कई जगह हम काम में लेते हैं और हमेशा लेते रहेंगे, क्योंकि बिना एनालॉग के यहाँ पे डिजिटली कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि एनालॉग और डिजिटल दोनों मिलके काम करेंगे तभी जो हम प्रोसेस पूरी कंप्लीट कर पाएंगे, जो भी हम ट्रांसफर करने की या जो भी हम सॉन्ग सुनते हैं या डेटा ट्रांसफर करते हैं, इस तरह की जो भी हम प्रोसेस करते हैं वो एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिलके ही हो पाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनालॉग की, एनालॉग कैसे वर्किंग करता है। एनालॉग में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि जब डिजिटल नहीं आया था तो एनालॉग में वर्किंग करते थे, तो यहाँ पे क्या होता था, डायोड रहते थे कई सारे, तो उनकी मदद से हम जो है हमारा जो भी सिग्नल आते थे उनकी मदद से हम उसको कन्वर्ट करते थे और उसको साउंड में कन्वर्ट करते थे या विजुअल में करते थे। यानी कि आप देख सकते थे उन जो सिग्नल आते हैं उनको या फिर सुन सकते थे उन जो सिग्नल इलेक्ट्रिक सिग्नल आते हैं उनको डायोड की मदद से। यहाँ पे हमारे पास डायोड थे जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रिक सिग्नल को यहाँ पे जो साउंड हमारा जो है विजुअल हमारा जो है उनमें कन्वर्ट कर सकते थे। बट यहाँ पे क्या होता है, कई बार जैसे कि वेदर खराब होता है या तो आपने देखा होगा आपकी टीवी में कई बार, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इस तरह का यहाँ पे कुछ आपको दिखाई देने लगता है, क्योंकि ये इतने जो सिग्नल होते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं ये काफ़ी यहाँ पे लूज होते हैं और जो डायोड होते हैं उनको उनका अलग से कन्वर्ट नहीं कर पाते इतने अच्छे से इजीली उनको। इसकी वजह से आपको जो है ये डिस्टॉर्जन देखने को मिलता है एक तरह का आपको आपकी पिक्चर में या साउंड में। दोस्तों अब डिजिटल में क्या होता है, डिजिटल में हम आपको जैसे पता है बाइनरी लैंग्वेज में हम यहाँ पे पूरा डेटा यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, जैसे 0 1। अब यहाँ पे 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। सेम वैसे ही तरीका है यहाँ पे, हम जैसे कि हम बात करते हैं अगर कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल की, तो यहाँ पे सिग्नल आता है उसी तरीके से डिजिटली आता है, बट यहाँ पे जो उसका ट्रांसफर का मोड होता है वो डिजिटल में हो जाता है, ना कि बाइनरी लैंग्वेज में हो जाता है, ना कि 0 1। अब यहाँ पे कोई भी हम अगर हमको जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को ऑफ रखना है तो हम यहाँ पे 0 का यूज़ करेंगे, अगर ऑन रखना होगा तो 1 का यूज़ करेंगे। तो इसकी मदद से क्या होगा, काफ़ी जो हमारा ट्रांसमिशन है वो पूरी अच्छी तरह से हो पाएगा, इसमें डिस्टॉर्जन का बिल्कुल भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आजकल जो सेट टॉप बॉक्स लगते हैं वो काफ़ी डिजिटल होते हैं, HD सेट टॉप बॉक्स आ गए, तो वो कैसे होते हैं, वो डिजिटल होते हैं, डिजिटली जो है डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पे हमें जो डिस्टॉर्जन है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। अब दोस्तों एनालॉग में ये भी एक दिक्कत थी कि आपको ज़्यादा डिस्टेंस में, अगर जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पर जाएंगे तो उतनी ज़्यादा आपको जो सिग्नल है वो वीक होता जाएगा और यहाँ पे डिस्टॉर्जन है वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो अब डिजिटल में ये सब जो है ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे बिल्कुल भी मायने नहीं रखती, आप कितने भी डिस्टेंस पे यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, क्योंकि वो डेटा जो है 0 1 में यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसमिशन आपका बाइनरी डिजिट में हो रहा है, तो उसमें आपका कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे सिग्नल लूज होने का। तो इसके यहाँ पे एक और फायदा है हमें डिजिटल का। तो दोस्तों डिजिटल की मदद से हम यहाँ पे एक और काम भी ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, जैसे कि कॉपी करना। मान लो एक कोई सॉन्ग है आपका, उसको कितनी भी बार अगर आप कॉपी करोगे आजकल के मोबाइल में से या कंप्यूटर में से, तो उसके कुछ नहीं बिगड़ेगा, मतलब वो एज इट इज रहेगा। बट हम जैसे कि आपको पहले अगर आपने अगर कैसेट का नाम सुना है, तो कैसेट में से अगर हम कॉपी करते थे तो कैसेट या 4 से 5 बार हम उसमें से कॉपी करते थे, उसके बाद वो कैसेट भी जो जिससे हमने कॉपी करी, जो ओरिजिनल कैसेट रहती थी, टेप जो हम जिसको बोलते हैं, उसमें से कॉपी करी थी, तो वो पूरी बिगड़ जाती है, वो फेंकने लायक रह जाती है और उसकी जो ज़्यादा उसकी लाइफ भी नहीं रहती है। तो यहाँ पे एक और बेनिफिट है हमारा डिजिटल होने का। अब डिजिटल में क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो फाइनल सेट होता है 1 एंड 0 का, वो एग्जैक्ट फाइनल सेट होता है, इसलिए हम उसको जो है कॉपी कर पाते हैं, उसकी कितनी भी कॉपी करना पॉसिबल होता है हमारे लिए। अब दोस्तों डिजिटल और एनालॉग दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं उसका मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। यहाँ पे हमें एनालॉग भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों जैसे कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो वो इसलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि यहाँ से जो है आप कहीं पे एक सर्वर है, वो सर्वर पे एक डेटा स्टोर है वो, बट वहाँ पे जो स्टोर है डेटा वो डिजिटली स्टोर है, यानी कि 1 0 लैंग्वेज में स्टोर है, बट आप उसको डायरेक्टली ओपन करके प्ले करेंगे तो 1 0 प्ले नहीं होगा वो। क्यों 1 0 प्ले नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगा हुआ है और फिर आप उसको एनालॉग वेव में ही सुन रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक वेव में ही सुन रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा जो डीमोड्यूलेट और मॉड्यूलेट का यहाँ पे वर्किंग हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे डिजिटल टू एनालॉग यहाँ पे कन्वर्टर लगा हुआ है। और इसी तरह से कोई अगर सिंगर एक गाना गाता है, मतलब कोई सिंगर एक कोई गाना रिकॉर्ड करता है, तो वो
इसी तरह से रिकॉर्ड हो पाता है क्योंकि वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एनालॉग टू डिजिटल, इस तरह से वो डिजिटली डेटा यहाँ पे स्टोर कर पाते हैं हम और उसको फिर एनालॉग करके सुन पाते हैं आसानी से। अब दोस्तों वो जो हम रिकॉर्ड करते हैं सॉन्ग वो सैम्पलिंग के जरिए करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं एनालॉग जो वेव फॉर्म है उसकी सैम्पलिंग करते हैं और सैम्पलिंग करने के बाद हम यहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का यूज़ करके उसको डिजिटली स्टोर कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे एनालॉग और डिजिटल दोनों साथ में वर्क करते हैं, तभी हमारा जो सारा यहाँ पे डिजिटल वर्क है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो पाता है, आप सुन पाते हैं और आप देख पाते हैं यहाँ पर। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये पता चल गया होगा कि कैसे एनालॉग और डिजिटल यहाँ पे वर्क करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से वीडियो लाइक करिए, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए क्योंकि रोजाना मैं आपके लिए इसी तरह के टेक वीडियोज लेके आता रहता हूँ। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पे एक लिंक है उसके जरिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। लास्ट के दोनों अपलोडेड वीडियो एक लिंक यहाँ पे उनके जरिए आप लास्ट के दोनों अपलोडेड वीडियो देख सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।